निर्माण दाकिनवाकाशकर कपू रेदी अभी सुधुपाटम कीलमने कमती वडात्म सुधुसुई लापाटकना हिम रेद तोरगना इट पास आप मोस्तर तोने आप निर्माण अभी कमती मोस्तर तोरगना मे वगे मल तोरगत पहासुई अभी मे दिन मे निर्माण कर हेम तोरगन पूर्व इलाट ए मे अभी तोरगत मोस्तरे अभी रेद कोहमद रेदट युदागन ते कोहमद किल बलमु एक अभी गण मेन मे इटी वर्ग मे अटे मे पेरपीनिटी मे पेरपीनिटी मे युदागन ए पेरपीन इटी समग तव एक दागन मे ट दूमल इलाट तव मीटी उदाहरण इट पास मेवा अभी मे उगा तम अभी मे मम्मे गिनाती मे भूमि तेलिप भूमि तेलिपे मे अलूम ताचरे मे अतिपकरण करगन एक मे दाल इट पास एक गेलपन प्रमाण मे अभी रट दुमल मे मीटी के दागन दाला इट पास अभी मे लिप पत्कला मेट उगा अभी एक हिमतील इट पास बलू अभी मे निर्माण करा मे मेके उनुनवा इतना मेक वत्र वगे मे उच्च मे द्रावणी अभी मेकटे मे मोस्तर निर्माण करना मे उपकरण ये सदातम अभी मेतन मे पेन तीन मे पुणी मेमट की मे बति निर्माण गे पुणील कीला मेमट की टूल कीला इटमित मे पिंसल युदागन पिंसल विविध प्रमाण गुड़ मेक पोड़े का तव अंगाल दिखे तुने योगे अपे निर्माण लोकन पिंसल अवश्य प्रमाण मे गुड़व मे मे सीरम देवा वेन्दपले गुड़वा एवं गुडकलावट मेवा मे मे बड़म तीयन कड़वल तीयनवा इवन गुड़कने कोल मेवें मे मीटी मेवा मे हार्डवेर तीयनवा अभी गा पास मे मे रेदे अभी मे मोस्तरे रेदे अंदगा एक मे गे मोस्तरे हुद पेन मे विद्यट कद पाट की एंदगा मे विद्यट पास अभी एक मेसे तीयला मेम अभी मे रेदे को आवश्यक मेम तीयला एक अभी मोस्तरे तीन अट अभी इटन रेद तीयला मे मेम एंदगा हट मेम तद एंदगा मे विद्यट अभी मे रेदे अंदगा मे एक्का मे अभी मे रेदे तब की तेगा पुलवा हेम एंदगा मे मोस्तरे अभी दें मे उगते इट वली मे मोस्तरे अभी नवट तीन अभी एक मे उपकरण मे पावित करानी दें मे अभी तीन मे मेक दें अभी अद उनको लेने अभी एक मेहमे अतिथि आगना मे निर्माण करा पुलवा मेहमे नेता अभी पहासुई मे वगे रागना ये रामे मे रेद मेहमी ड्रॉइंग पेन सारी ये लाभ तीन हर अलपेन तीन हर मेक रंध दें मे विद्यट रेद हों मे मे रामे रंधवगण ड्रॉइंग पीस आधार इट पास अपटक रनती मे उनकर इट वली मे निर्माण नवत तीन अभी एक मे उपकरण मे पावचक रही
මේ උපකරණ පාවිච්චි කරලා මේ වැයෙන් අරගෙන තමයි මේ නිර්මාණයට ඉටි යොදාගන්නේ. අපි අදට මේ ටික ඔබට හොඳින් වැටහෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟ පියවරේදී මේ ඉටි යොදලා මේ මොස්තරය නිම කරගමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නැවත හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.